Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों बात करें तो प्रतापगढ़ के कुंडा में इस बार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को अपने ही पुराने साथी से चुनौती मिल रही है। दरअसल इस विधानसभा चुनाव में राजा भैया के पुराने साथी गुलशन यादव ही उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। गुलशन यादव ने अपनी चुनावी भाषणों और साक्षात्कारों में रघुराज प्रताप सिंह पर जमकर निशाना साध रहे हैं। गुलशन यादव का दावा है कि राजा भैया इस बार कुंडा से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हाल ही में एक दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं जो पूरे प्रदेश में घूमकर प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो प्रतापगढ़ के बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने इंटरव्यू में जब गुलशन यादव से पूछा गया कि क्या वाकई में राजा भैया ने अपने तालाब में मगरमच्छ पाल रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि वह खुद ही एक मगरमच्छ है। गुलशन यादव ने यह भी कहा कि ये बात तो वैसे उनसे ही पूछा जाना चाहिए। बता दें कि मायावती के शासनकाल में राजा भैया पर इस तरह के आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने तालाब में मगरमच्छ पाले हैं। हालांकि राजा भैया इन बातों को मनगढ़ंत बताते हैं। वहीं बात करें तो अखिलेश यादव ने भी कल जो है कुंडा में रैली किया था, जिसको लेकर अपार जन समर्थन देखने को मिला था और उसी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। तो वहीं कुंडा में अखिलेश यादव ने कुंडी बंद करने की बात कही और उन्होंने कहा कि इस बार जो हमेशा से जीता आ रहा है उनका कुंडी बंद करके गुलशन को जिताकर भेजाए। और वहां पर जिस तरीके का लोगों में उत्साह नज़र आया उसको देखकर तो यही लगता है कि इस बार जो राजा भैया हैं उनके लिए चुनौतियां आसान नहीं है और उनकी मुश्किलों के साथ साथ काफ़ी ज़बरदस्त तरीके की फाइट भी देखने को मिलने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.